नाजरीन मोहतरम, इस समय जो एक बहुत ही बड़ी खबर और एक बहुत ही दुखद खबर जो आ रही है वो खानपुरा बारामूला से आ रही है। बताया जाता है एक छोटी सी लड़की ने जो है वहां से खानपुरा जो ब्रिज है वहां से छलांग मारी है जहलम में। तो अभी हम बारामूला का जो किस्सा है, बारामूला की स्टोरी जो है, अभी हम नहीं भूले थे कि एक और जो है एक और हादसा, यानी या ऐसा कहे कि एक और जो हमारे सामने एक और ऐसी दुखद भरी खबर जो आ रही है खानपुरा बारामूला से आ रही है कि एक और जो छोटी सी लड़की है उसने छलांग लगाई है बारामूला जो खानपुरा ब्रिज है वहां से छलांग लगाई है। तो मजीद जो है अपने सहयोगी नासिर अली से जुड़ते हैं जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है खानपुरा बारामूला से। जी नासिर, बता दीजिए सबसे पहले क्या रहेगा अपडेट और क्या किस तरह की अपडेट इस समय आ रही है। जी नासिर, बता दीजिए। जी खालिद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल जो खानपुरा बारामूला है जी। अभी अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे जो आई विटनेस है, लोगों का कहना है कि एक लड़की ने छलांग मारी है पानी में जी। और लोगों ने डूबते डूबते इस लड़की को देखा है। फिलहाल के तौर पर अभी काफी सारे लोग इस ब्रिज पे जो है जो खानपुरा बारामूला में ब्रिज मौजूद काफी बोलूं, जिस तरह से महगीरों का सर्विस ऑपरेशन सोपोर में किया जा रहा था, बड़े 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 बोट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी आधा घंटा हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम साथ ही साथ जे एंड के पुलिस की अगर बात करें, पुलिस को तो इंफॉर्मेशन ये है, पुलिस तो फिलहाल के तौर पर ऑन जॉब है, और लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है लोकल से फिलहाल एक दो बोर्ड जो है जो अभी देखने को मिल रहे हैं जो अभी सर्च कर रहे हैं आसपास में, लेकिन लोगों से जब हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ये साफ तौर कहना है कि अगर पूरी तौर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे यहाँ पे बोट्स लाए, यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे, तो मे बी इस लड़की की जो लाश जो है वो मिल सके। फिलहाल के दौरान मैं ये बात मेंशन करूंगा, हालांकि एक शख्स ने खुदकुशी की है बारामूला का जो खानपुरा ब्रिज है वहां पे खुदकुशी की, लेकिन अभी तौर पे मैं आपको ये बात मेंशन करना चाहूंगा खालिद, फिलहाल के तौर पर जो वहां पे आई विटनेस लोग हैं जिन्होंने पानी में डूबते डूबते देखा है, फिलहाल उनका कहना है कि एक लड़की थी। अभी मैं एक शख्स आपको बताऊंगा, क्योंकि आई विटनेस से जब मैंने बात की ग्राउंड जीरो पे, आई विटनेस ये कह रहे हैं कि फिलहाल के तौर पर एक लड़की को हमने डूबते डूबते पानी के किनारे पानी में देखा, लेकिन काफी सारे तादाद में यहाँ पे लोगों ने भीड़ जमा कर दी और ब्रिज जो है ये वही जहलम है जो श्रीनगर से लेके और सोपोर से लेके फिर धीरे धीरे जो पहुंच लेता है बारामूला। नासिर, एक जानकारी दे दीजिए, क्या जैसा कि आपका कहना है कि अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये क्या लड़का है या मर्द है या औरत है या एक लड़की है, लेकिन आई विटनेस का कहना है कि एक लड़की को जो है डूबते हुए उन्होंने देखा है। जी नासिर, क्या कोई जानकारी मिली है कि ये कहाँ की है या ये कौन है, क्या कोई इसके बारे में कोई जानकारी है? जी नासिर, सोर्सेस के हवाले से मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि ये इंसिडेंट जहाँ पे पेश आया है, जहाँ जिस जगह पे अभी पेश आया है खानपुरा बारामूला में जी ना सर, और मैं ये बताऊंगा कि अभी ये पता लगाया जा रहा है कहाँ से है, कौन से मोहल्ले से है या कौन से गांव से है, कहाँ की है, तो ये अभी साफ तौर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल के दौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्च ऑपरेशन अभी जो है वो लगातार जारी है, लोकल्स ने एक दो बोर्ड जो है वो यहाँ पे बिछाए हैं, पानी में अभी गश्त कर रहे हैं। तो खालिद, ऐसे में बताऊंगा, ऐसे में मेंशन करूंगा आपको कि जिस तरह से अभी अभी ये वाका जो है पेश आया है खानपुरा बारामूला में, अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुई है, लेकिन आई विटनेस का कहना है कि एक लड़की को हमने डूबते हुए देखा है, लेकिन फिलहाल के तौर पर पुलिस ऑन द जॉब पे पहुंच गया और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम को जो है उनको भी इन्फॉर्म किया गया है, रिवर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। जिस तरह से सोपोर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला था महगीरों की अगर बात करें या रिवर पुलिस की बात करें और आर्मी मार्को टीम की बात करें, साथ ही साथ बहुत सारी टीम जो है वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा ऑपरेशन जो है सोपोर बारामूला के खानपुरा ब्रिज पे नहीं स्टार्ट हुआ है। जी खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो नाजरीन, बता दो
ये थे हमारे साथ नासिर अली, जो कि ग्राउंड जीरो पे इसमें मौजूद है और जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक दुखद खबर जो है खानपुरा बारामूला से आ रही है। बताया जाता है कि एक जो लड़की है, एक शख्स, अभी ये नहीं कह सकते लड़की है लड़का है, लेकिन एक शख्स को जो वहां के आई विटनेस है उन्होंने देखा है कि छलांग लगाते हुए, और वहां पे देखा है कि नीचे जो है तैर रहा था, कोई ना कोई शख्स नीचे तैर रहा था। उसके बाद जो है फौरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को जो है इत्तला दी गई। इसके बाद जो है वहां के लोकल्स जो बोटमैन होते हैं, वहां के नाव चलाने वाले लोग जो है वहां पे इस समय जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने पहले स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिली थी, क्योंकि वो उसी जहलम में सफर कर रहे थे नाव लेके। तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही दुखद खबर इस समय जो आ रही है बारामूला से आ रही है। अभी जो है हाल ही में अभी सोपोर का किस्सा हमारे सामने ही था, अभी सोपोर का किस्सा जो है हमारी आंखों के सामने ही था, क्योंकि लाश जो है अभी तक बरामद नहीं हुई है उस छोटी सी लड़की की। उसके बाद जो है उसी डिस्ट्रिक्ट से, उसी एरिया से सोपोर और बारामूला की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बारामूला ही आता है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से एक और दुखद खबर जो आ रही है। बताया जाता है कि एक जो शख्स है, अभी आई विटनेस जो है उनके मुताबिक ये एक लड़की है, उसने छलांग लगाई है खानपुरा बारामूला का जो ब्रिज है वहां से छलांग लगाई है उसी जहलम में। तो अभी जो है वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला है और एसडीआरएफ की टीम, और जहां तक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करें, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पे मौके पे मौजूद है, और वहां के लोकल्स जो स्थानीय लोकल्स है वो कहीं ना कहीं ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लड़की है जिसने अभी छलांग लगाई है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है, इसको जो है वहां से सेफली रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसी चीज को दी जाएगी, क्योंकि इसको सेफली रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद जो है खुदा ना खासा अगर उस तरह की सिचुएशन रही, डेड बॉडी तक मामला पहुंच गया, तो ये भी कोशिश रहेगी कि जो इसकी डेड बॉडी है उसको सही सलामत जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात दोहराना चाहता हूँ कि हमने कई बार जो है रिक्वेस्ट की थी, इससे पहले भी हमारी जो कोशिश रही है हमारे चैनल के माध्यम से, हमने कोशिश की थी कि जितने भी ब्रिजेस इस जहलम के करीब आते हैं, जितने भी ब्रिज आते हैं, चाहे श्रीनगर की बात करें या बारामूला सोपोर की बात करें या जहां जहां से ये ब्रिज जो है ये दरिया गुजरती है, वहां इन ब्रिज पे जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रखी जाए, और इन ब्रिज को जो है कहीं ना कहीं जो है इनकी फेंसिंग की जाए, ताकि इस तरह के मामला जो है हमारे सामने ना आए। तो मजीद जो अभी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस समय जो है एक बहुत ही दुखद खबर जिसको सुनाते हमें जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, बहुत ही जो है सैडनेस फील होती है, क्योंकि इस तरह के जो हालात, इस तरह की जो खुदकुशी का वाका, इसको हम खुदकुशी अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल प्लीज जो है अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सब चीजें हमारे सामने आएगी। लेकिन इस समय जो है एक बहुत ही बुरी खबर से आपको रूबरू और आगाह करते हैं। बताया जाता है खानपुरा बारामूला से जो है खानपुरा बारामूला का जो ब्रिज है वहां से एक जो लड़की है उसने छलांग लगाई है, अभी जो है वहां जहलम का पानी, जो जहलम का दरिया है उसमें छलांग लगाई है, तो अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, और हम भी दुआ करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो नाज़रीन है, अल्लाह से आप दुआ करें कि जो भी ये शख्स है, चाहिए लड़का है लड़की है औरत है मर्द है, इसको जो है अल्लाह से ही सलामत जो है उस दरिया से, उस जहलम से सही सलामत बाहर निकाले। पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहे KNI न्यूज़ नेटवर्क, और मुझे और मेरे सहयोगी नासिर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।